एसएल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। दोस्तों आज आप सभी पीएसएल निवेशकों को तीन जरूरी बातें बताने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। पहली जरूरी बात तो यह है कि कल 19 अगस्त रविवार यानी संडे को रात 9 बजे मैं अपने एमटीडी न्यूज चैनल पर लाइव आप सभी से बात करूंगा। आप लाइव मुझसे पीएसएल से जुड़े सभी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों याद रहे कल 19 अगस्त रविवार रात 9 बजे। दोस्तों प्लीज आप सब कल लाइव वीडियो जरूर देखें और लाइव बात करें मुझसे। और दोस्तों अगली खबर यह है कि मुझे काफी सारे लोगों के यह कमेंट आए थे कि यह बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में पीएसएल केस की अगली सुनवाई कब है। वैसे दोस्तों आप सबको बता दूं कि यह मैंने अपने पहले की वीडियो में बता रखा है, लेकिन मैं आज भी आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे मैंने यह पीएसएल वर्सेस सेबी का केस स्टेटस खोल रखा है और जैसा कि आप यहां लिखा हुआ भी देख सकते हैं पीएसएल वर्सेस सेबी। और दोस्तों नीचे आपको यह लिखा हुआ दिख रहा होगा लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 24 अगस्त 2018। तो दोस्तों पीएसएल केस की अगली सुनवाई 24 अगस्त को है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को क्या फैसला लेती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आएगा आपको उसकी जानकारी हमारे एमटीडी न्यूज चैनल से मिल जाएगी। और दोस्तों अगली खबर आपको यह बतानी थी कि 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कासगंज में पल्स पीड़ितों की जनसभा होने वाली है, जैसे कि आप यह पोस्टर देख रहे होंगे और यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है प्रभु पार्क कम्युनिस्ट मैरिज हॉल नदरिया गेट कासगंज। तो दोस्तों आप सभी पल्स पीड़ितों से मेरी अपील है कि जो भी पल्स निवेशक उत्तर प्रदेश में रहते हैं वह जरूर जाएं। और दोस्तों आप सबको बता दूं कि जल्द ही एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जिसकी तैयारियां अभी चल रही है। आपको इसकी अच्छी तरह से जानकारी अगली वीडियो में मिल जाएगी। फिलहाल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप अपने सभी पीएसएल निवेशक भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच पाए। तो गुड बाय दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ।